हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ 5 मिनट ग्लिटर स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल। ये एक सिल्वर ग्लिटरी आई मेकअप है। बहुत ही इजी स्टेप में आप इस लुक को आई मेकअप को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्ट इस लुक को देखने में कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ टेप से। तो अपने आई के एंड पे इस तरीके से मैं टेप अप्लाई कर रही हूँ, तो इससे आपको बहुत ही शार्प एंड नीट लुक मिलता है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें बहुत सारे न्यूट्रल कलर्स हैं। तो सबसे पहले ये मैंने वार्म शेड लिया हुआ है और इसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपने पूरे आईलिड पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में, आपने साथ ही साथ में अप्लाई भी करते जाना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। याद रखिए कि आई शेडो का एक ही बार में आई शेडो का आपने ज़्यादा आई शेडो नहीं उठाना है ब्रश पर। धीरे धीरे आपको कलर की इंटेंसिटी को बिल्डअप करते जाना है, एक ही बार में ज़्यादा कलर नहीं लेना है ब्रश पे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर दिया है आई शेडो को। उसके बाद सेम पैलेट में से अब मैंने ये ब्लैक शेड और थोड़ा सा ये मॉफ शेड दोनों को मिक्स करके सेम ब्रश की मदद से मैं अपने ब्राउन शेड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए कि मैंने इस किस तरीके से इसको अप्लाई कर लिया और कितना सुंदर कलर लग रहा है ये आई शेडो। उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लिक्विड ग्लिटर ले रही हूँ और ये सिल्वर है, सिल्वर शेड में ग्लिटर है। तो इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा एक कट क्रिस के जैसा मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, तो हमें यहाँ पे कट लुक भी मिल जाएगा। तो आप लोग को सिंपल से ऐसे बस अप्लाई कर लेना है अपने हाफ आईलिड तक का। इस तरीके से अपने आई शेप को मेंटेन करते हुए ही आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अपने आउटर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा और डेप दूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ब्लैक शेडो को थोड़ा सा ऐड ऑन कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्मोकी लुक चाह रही थी, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे अपने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा और डार्क किया हुआ है। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद अब मैं टेप को रिमूव कर दूँगी, तो आप देख सकते हो कितना शार्प लुक मिला है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आया का वाटर जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं एक बेसिक सा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा आई लुक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी विंग आईलाइनर नहीं अप्लाई करूँगी और साथ में थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा पॉन्टी लुक भी दूँगी, थोड़ा सा अपने आईलाइनर को एक्सटेंड करूँगी। काजल के लिए मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा का काजल लिया हुआ है और इसको मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। काजल को स्मर्ज करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड को यूज़ किया हुआ है। अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दूँगी और काजल को भी अच्छे से स्मर्ज कर दूँगी। अपने लोअर लैश लाइन पे कभी भी शेड अप्लाई करना मत भूलिएगा। हमेशा जो आप आईलिड पे कलर अप्लाई करते हैं, तो आपको लोअर लैश लाइन पे भी कलर अप्लाई करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अब मैं वहाँ पर सेम लिक्विड ग्लिटर ले रही हूँ और इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने फेसेस कैनर का मस्कारा यूज़ किया हुआ है और अपने अपर लैश पे लोअर लैश पे मस्कारे की अच्छे से कोटिंग कर दूंगी मैं। और मैंने ऑफ़ कैमरा यहाँ पे फॉल्स आईलैश भी अप्लाई कर दिया था। तो ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। अगर आपको कोई और आई मेकअप लुक देखना चाह रहे हो तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।